ये सिंटैक्स है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए। इस तरह से हम स्ट्रिंग को शुरू कर लेते हैं वेरिएबल को, और इस तरह से हम उसको एंड कर लेते हैं। और एंड वाला जो ईओटी है वो फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट कॉलम से शुरू होना चाहिए। इसके दरमियान हम जो कुछ डालेंगे वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो सकता है। और इसके अंदर हम दूसरे वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डॉलर नेम 1 यूज़ करूँगा तो वो भी इंटरपोलेट हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा है कि इसको पीएचपी का जो सिंटैक्स है हाइलाइटेड, उसमें इसको जो है बोल्ड कर दिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि जी ये इंटरपोलेट ना हो, तो इसका एक और जो थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेक्स है सिंगल कोट वाला, सिंगल कोट के इक्वलेंट, वो इस तरह से है कि हम इसमें ऐसे कर देते हैं। तो ये भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर तो चूंकि नोट पैड प्लस प्लस ने इसको बोल्ड कर दिया था, जिसका मतलब है कि ये इंटरपोलेट हो रहा है, लेकिन इधर ये बोल्ड नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी इंटरपोलेट नहीं हो रहा और ये एज इट इज़ ही डिस्प्ले हो जाएगा अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, जैसे हमने इसमें सिंगल कोट में हमने किया था। यहाँ पे ये इंटरपोलेट नहीं हो रहा था और इस वेरिएबल में वो इंटरपोलेट हो रहा था। तो मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग्स हैं वो कई जगह पे यूज़ होते हैं एचटीएमएल जनरेट करने में। हम अगले चैप्टर्स में इसका काफ़ी यूज़ करेंगे, और ज़रूरी है कि आप इससे फेमिलियर हो जाए ताकि आगे आपको सिंटैक्स समझने में आसानी हो।